सीरियस हैं क्योंकि जो है बाजू काट दी गई है, छोटे छोटे बच्चे भी जो है इंजर्ड हैं। लोग तो अभी तो सेफ जगह पर आ गए हैं, लेकिन ये जो जख्मी है उनका इलाज जो है हमारी सरकार की ओर से, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से मुफ्त किया जा रहा है और सारे डॉक्टर्स उसको अटेंड कर रहे हैं। रेड क्रॉस की तरफ से इमीडिएटली जो है उनको रिलीफ दिया जाएगा और जो रिलीफ जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो हम इमीडिएटली लेंगे देंगे। उसके लिए केंद्र सरकार ने भी एक घोषणा की है, वो भी जल्दी लागू हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि इससे ये तो जो है फर्स्ट एड है, जो इस प्रकार के इमीडिएट रिलीफ की बात है, जब तक पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट नहीं डिक्लेयर किया जाता और पाकिस्तान पर इंटरनेशनल दबाव नहीं आता और पूरे हर प्रकार का दबाव, डिप्लोमेटिकल भी और दूसरा भी जो है दबाव उस पर आएगा, तो तभी उसको अक्ल आने वाली है। लेकिन वो बिल्कुल समझ नहीं रहा है, उसकी डेस्परेशन है। 1965 की आज एनिवर्सरी है, जो जहां उसको मुंह की खानी पड़ी थी, तो उसका अपना यही एक तरीका है जिस तरीके से वो है जो है दुनिया के अटेंशन जो है अटैक कर रहा है। जैसे कल एक जिंदा टेररिस्ट पकड़ा गया, उससे भी उसका और जो उसका आएगा, नवेद ने भी बताया है, ये सारी बातें हैं जिससे उसको उसका जो असली चेहरा पाकिस्तान क्या है, कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, वो सारी चीज जो है बेनकाब हुआ है।